हेलो स्टूडेंट, बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम पार्ट 12। टुडे आई विल डिस्कस सम डिफिनेशन एंड सम न्यूमेरिकल्स। टुडेज टॉपिक बफर सॉल्यूशन एंड बफर एक्शन। बफर दैट मीन्स क्या होता है? अपोजिट प्रोसेस है, विरोध कर, रेजिस्ट। क्या डिफिनेशन? तो डिफिनेशन जो है यहां पर ये पॉइंट्स, ठीक है। डिफिनेशन तो आपको यही डिफिनेशन लर्न करना है और लिखना है, राइट करना है। कह रहे कि इट इज सम टाइम नेसेसरी दैट अ सॉल्यूशन ऑफ डिफिनिट फिगर बी प्रिपेयर्ड एंड स्टोर। डिफिनिट फिगर जो वैल्यू होती है स्टोर किया जाता है, डिफरेंट होती है उसकी पीएच वैल्यू, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू फिक्स होगी। द प्रिजर्वेशन ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज इवन मोर डिफिकल्ट देन इट्स प्रिपरेशन। इफ द सॉल्यूशन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर इट विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड बिकम्स मोर एसिडिक। भाई एटमॉस्फियर जो CO2 गैस है वॉलेटाइल में एसिडिक नेचर में होता है, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते तो क्या एसिडिक नेचर उसका इंक्रीज हो जाता है। इफ द सॉल्यूशन इज स्टोर्ड इन अ ग्लास बॉटल द अल्कलाइन इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ग्लास ग्लास बॉटल मे डिजॉल्व इन टू द सॉल्यूशन एंड मे अल्टर इट्स पीएच। डिफिनेशन में ये कहा गया कि बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू, दैट इज होज पीएच बिहेव प्रैक्टिकली क्या कॉन्स्टेंट, प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू वो कॉन्स्टेंट चेंज ना हो। वेन इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ द एसिड आर बेस आर एडेड टू इट, उसमें स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस उसको डिजॉल्व कर दिया जाए, मिला दिया जाए, उसमें बहुत सारा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बहुत चेंज होता है तो क्या उसमें रेसिडेंस एनी चेंज इन पीएच वैल्यू का विरोध करता है। इस फॉर्म में कहा गया सोल्यूशन जो बफर सोल्यूशन टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन टू टाइप्स सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, कोई सिंगल सब्सटेंस है। द सोल्यूशन ऑफ द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस एग्जाम्पल्स अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों कॉम्बिनेशन में क्या है सॉल्ट, तो अमोनियम एसिटेट एक्ट ए बफर। क्या एक सोल्यूशन काम जो भी उसमें हम एसिड या पीएच जो तो थोड़ा सा विरोध करता है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था वीक का सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस के पार्ट का है। सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर दीज आर टू टाइप, मिक्सचर में टू टाइप्स कंसीडर किया गया, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर में क्या है? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद द स्ट्रांग बेस। सो मिक्सचर में क्या टू या टू कम से कम टू कंपाउंड होना चाहिए मिक्सचर के लिए। तो एसिडिक बफर में कह रहा है कि क्या होना चाहिए, सोल्यूशन का जो मिक्सचर होना चाहिए वो वीक एसिड का होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए साल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रांग बेस, और क्या स्ट्रांग बेस का भी साल्ट होना चाहिए। तो वीक एसिड हो गया स्ट्रांग बेस, या सोडियम क्या है NaOH का स्ट्रांग बेस है और इसमें वीक एसिड का साल्ट है, क्या है कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। दैट मीन फॉर्मिक एसिड एंड सोडियम फॉर्मेटेशन एग्जांपल्स उसके मिक्सचर के लिए, जिसमें इसका नेचर जो आपका एसिडिक फॉर्म का होगा। बेसिक बफर क्या है? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस वीक बेस एंड साल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रांग एसिड का होना चाहिए। तो जो सूत्र है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑफ वीक बेस हो गया, अमोनियम क्लोराइड क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड है, क्लोराइड HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, NH4 का बेस रहा हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस का साल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग
साल्ट जो है स्ट्रांग एसिड का साल्ट है, तो वीक बेस स्ट्रांग एसिड का साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है, या इस संज्ञा में दे सकते हैं, इसको कहा जाता है वीक, इसका जो सोल्यूशन होगा थोड़ा सा नेचर होगा बेसिक पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसी से रिलेटेड आपका बफर एक्शन, बफर एक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ द बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच वैल्यू, कोई भी चेंज हो सकता है। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड आर द बेस आर एडेड टू इट कॉल्ड बफर एक्शन। द बफर सोल्यूशन सॉरी द बफर एक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द बफर मे बी एक्सप्लेन एज फॉलो। बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसिटेट, कह रहे अमोनियम एसिटेट का है सॉल्ट, इसका एनालाइज किया गया, देखिए क्या मिलता है। अमोनियम एसिटेट लाइक ऑल द अदर सॉल्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन द एक्वस सॉल्यूशन है। हाँ, तो अमोनियम जो एसिटेट का है CH3COCO4, इसको हम इस पार में आए थे एसिटेट आए प्लस अमोनियम आगे क्या है क्या ब्रेक हो गया। सो इन सोल्यूशन देयर एग्जिस्ट एसिटेट आए एंड अमोनियम आए, फिर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड, कह रहे कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है फ्यू ड्रॉप एसिड वन टू ड्रॉप HCl एडेड टू द एबल सोल्यूशन हाइड्रोनियम आयंस गिव वे बाय द एसिडिक एसिड कंबाइंड विद द एसीटेट आयन टू फॉर्म वीकली आयनाइज्ड मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड। कह रहा है इसका जो सोल्यूशन बना हुआ है ब्रेक हुआ टूटा हुआ है, इसमें अगर हम HCl ऐड कर दें उस वन टू ड्रॉप या थ्री ड्रॉप के फॉर्म में, तो अब वो क्या है एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूंकि वाटर में डिजॉल्व किया गया है तो हाइड्रोनियम आयन को ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, इस तरह से जो एसिटेट आयन का जो कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन दैट मीन्स एसिटिक एसिड प्लस आपका वाटर। अब क्या हो नीचे आपका एसिडिक एसिड का है। सो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन डज नॉट चेंज प्रैक्टिकली एंड हेंस पीएच ऑफ द सोल्यूशन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। एंड सिमिलरली अदर भी है सोडियम नाइट्रेट का भी एग्जांपल्स भी है जो भी आपसे बुक होगा उसको देख लेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ले रहा है पीएच जो बफर सोल्यूशन का जो कंसेप्ट है जो बना होगा उसमें हमें एसियल जो वन टू ड्रॉप किया उसके कॉन्सेंट्रेशन कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ा। नेक्स्ट बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, वो तो बेसिक के फॉर्म। अब बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर कंटेनिंग एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिड। एसिडिक एसिड एसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट वेयर एज सोडियम एसिटेट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइज इन द एक्वस सोल्यूशन एंड इन वैल्यू। ये आपका इक्वेशन दिख रहा है एसिटिक एसिड प्लस वाटर, इस बार में इक्वेशन हमने पुश कर दिया, हमने क्या किया सोडियम एसिटेट, ठीक है, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर दिया गया तो इसका आयनाइजेशन इस बार में हो गया, ठीक है। नाउ बाय कॉमन आयन इफेक्ट, एक है कॉमन आयन इफेक्ट, एसिटेट आयन इज फर्दर सप्रेस्ड सो इन द सोल्यूशन आर द रिसेस ऑफ एसिटेट आयन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन। नाउ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड एंड एडेड टू द एबव मिक्सचर सोल्यूशन सो हाइड्रोनियम आयन गिवन बाय द एसिड कंबाइंड विद एसिटेट आयन एंड टू फॉर्म वीकली आयनाइज मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड हाइड्रोनियम आयन वाटर के फॉर्म हो गया। सो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच ऑफ द सोल्यूशन रिमेन ऑलमोस्ट
वहां स्टेट उसी के पार में कोई स्टेट चेंज नहीं होता है। बफर एक्शन ऑफ बेसिक एसिड के पार का बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जहां पर अमोनियम आयन है वह चाहिए, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम आयन है क्लोराइड है, बाय कॉमन आयन मेटायनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन फॉर द सप्रेस्ड सो सॉल्यूशन देयर आर द स्पेस अमोनियम आयन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वह चाहिए। फ्यू ड्रॉप ऑफ द एसिड वह चाहिए इवन इमीडिएटली कंबाइन विद अमोनियम आयन टू फॉर्म द लिक्विड आयनाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। इसी कंसेप्ट को कहा जाता है बफर सॉल्यूशन पेट्रोल में एसिडिक फॉर्म में और बेसिक फॉर्म में। तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आर ये ज्यादा सॉल्यूशन में ऑन इफेक्ट कोई चेंज नहीं होता है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड हाइड्रोनियम आयन जिसे आप हाइड्रोनियम आयन प्लस OH बेस प्लस फॉर्म में ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया ठीक है। एज द OH आयन आर कंज्यूम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो मोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसोसिएट टू प्रोड्यूस OH आयन which make up the loss of OH ion and hence hydroxyl ion and hydroxide OH ion in concentration and therefore hydronium ion concentration of pH of the solution remain really constant। यानी कहने का मतलब कुछ बहुत कम इफेक्ट होता है, उसका चेंजिंग बहुत कम आता है। सब कॉन्सेप्ट को हम पा जाते हैं इसका जो बफर सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका अनइफेक्टेड होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या इंपॉर्टेंस है तो देयर आर सम फॉलोइंग इंपॉर्टेंस है इन बायोलॉजिकल प्रोसेस के कॉन्सेप्ट में है। पीएच ऑफ आवर ब्लड इज मेंटेन कांस्टेंट नियर अबाउट 7.4 की वैल्यू जो होती है एसिडिक पार्ट का है। इनसाइड ऑफ द वेरियस एसिड एंड बेस producing reaction going on our body in the absence of the buffer nature we could not eat a variety of the food and drink। yani concept the biological process jo pH ke jo value ka jo concept hai ye jab ki value pH se zyada value hoti hai to kya hota hai digestive system kya hota hai kharab hone lagta hai bigad sakta hai pani pakati acidity gas vagera jo pet mein banne lagte hai। buffer action is due to the presence of the कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट आयन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ये सब उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट हो जाते हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम क्या होता है डैमेज होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या है द यूज ऑफ बफर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फार मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर से फोटोग्राफिक मटेरियल्स में डाइज में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स में ये सब चीज जो उसका बफर एक्शन के रूप में इसका यूज किया जाता है। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है जो हमारे आयन्स होते हैं फेरिक आयन एल्युमिनियम आयन क्रोमियम आयन सल्फेट आयन ठीक है अमोनियम आयन का एनालिसिस करने में इसका यूज किया जाता है ठीक है। तो ये आपके दो डिफरेंट टाइप के आपके बायोलॉजिकल जो इसका यूजेज है। सो स्टूडेंट्स जो आपको दिया गया था सो जो भी आपके पास मटेरियल है जो भी बुक्स रखे हैं उसके हिसाब से आप बनाएंगे। थैंक्स।